चुरू के सुजानगढ़ से खबर है जहां मंत्री ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया है। शहर में तैनात पुलिसकर्मियों को खुद जाकर पिलाई राबड़ी और छाछ। मंत्री ने कहा कोरोना योद्धाओं की सेहत का रखा जाएगा विशेष ख्याल। सुजानगढ़ में अब रोज पुलिसकर्मियों को पिलाई जाएगी छाछ। तो पुलिसकर्मियों को खुद जाकर पिलाई राबड़ी और छाछ, ये तस्वीरें भी सामने आई जहां कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया गया, पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया गया। लॉकडाउन में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल खुद पॉइंट्स पर आए हैं और ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुलिस कर्मियों को छाछ व राबड़ी मंत्री मेघवाल अपने घर पर तैयार की हुई खुद पिला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्री मेघवाल पुलिस कर्मियों को छाछ व राबड़ी हाथों में दे रहे हैं और उनको गर्मी से बचाने के लिए छाछ व राबड़ी दे रहे हैं। मैं मंत्री मेघवाल से बात करना चाहूँगा, सर किस तरीके से आप पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ा रहे हैं? देखिए कि चुरू ज़िले की एसपी साहिबा ने अपने जितने भी कार्मिक हैं, सिपाही हैं, थानेदार हैं, जब वो रात को 2 बजे अपने सिपाहियों को, अपने कार्मिकों को चाय पिला सकती हैं, तो हमारे थानेदार जो मनोज जी हैं और मनोज कुमार जो थानेदार सुजानगढ़ में लगे हुए हैं, उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से कोरोना वायरस किस प्रकार से लोगों को समझाइश करें, किस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़े, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लेकर अब तक इन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया है। सफाई कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो शहरों को जब तक सफाई नहीं करेंगे तब तक ये रोग बढ़ सकता है, दूसरी बीमारी आ सकते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारी मीडिया की भूमिका भी अब की बार पहली दफ़ा पूरे देश में देखने को मिल रही है कि कोरोना को भगाने के अंदर जनता को जागृत करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो अपने ये स्लोगन निश्चित तौर से उसमें दिखाने में मिलते हैं कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए और घर से बाहर नहीं निकलें। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो संबंधित अधिकारी को आप फ़ोन करें और फोन करने के बाद संबंधित अधिकारी आपकी घर बैठे सारी व्यवस्थाएं करेंगे। मंत्री मेघवाल ने सुजानगढ़ व चुरू जिले के पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे ग्राफ पर चिंता जताई, जबकि उन्होंने कहा कि कोरोना का ग्राफ राजस्थान में नीचे भी आ रहा है। सुजानगढ़ से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए तनुज लाटा।